बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान और आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉइंटर। पॉइंटर नाम से पता चलता है कि पॉइंट करता है। एक्चुअली पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करे। लेकिन शर्त यह है, अगर एक पॉइंटर इंटीजर वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा तो इस पॉइंटर का डेटा टाइप भी इंटीजर। अगर आप एक पॉइंटर में किसी फ्लोट वैल्यू का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो उस पॉइंटर का डेटा टाइप भी फ्लोट होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि अगर एक इंटीजर टाइप ऑफ पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल एंड कैरेक्टर टाइप ऑफ पॉइंटर कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल। सो इन कंप्यूटर मेमोरी ईच एंड एवरी वेरिएबल हैज असाइन एन एड्रेस और कंपाइलर को उसका एड्रेस पता होता है। आपने कंपाइलर को जब भी आप कोई वेरिएबल मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो उसका एक एड्रेस भी होगा और वही एड्रेस जब हम किसी दूसरी वेरिएबल में रखते हैं तो वो पॉइंटर कहलाता है। क्या फायदा है, पॉइंटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले ये आपके लिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, आप मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। इट रिड्यूस द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के लेंथ को और उसके कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करवाता है। इसके अलावा पॉइंटर रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, जब आप एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो कम टाइम में रन होगा क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, आप जाते हैं डायरेक्ट मेमोरी पे, मेमोरी से डायरेक्ट आप डेटा उठाते हैं। इसके अलावा पॉइंटर अलाउ अस टू परफॉर्म डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डीएलोकेशन। एक कंसेप्ट है मैलॉक, मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डीएलोकेशन। तो यहाँ पे डायनेमिकली आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और किसी प्रोसेस से या किसी वेरिएबल से आप मेमोरी डीएलोकेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर के जरिए बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाता है और पॉइंटर के जरिए हम इजीली बड़े डेटा को सर्च एंड सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंटर के कुछ डिक्लेरेशन के तरीके हैं कि द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर इज डिफरेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ सिंपल वेरिएबल। जब हम एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो दोनों में फर्क है। आप देख सकते हैं सिंटैक्स ऑफ जर्नल वेरिएबल, डेटा टाइप होगा वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल इंट ए, फ्लोट बी, कैरेक्टर सी, ये एक नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। जबकि पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप स्टेरिक और पॉइंटर नेम, फॉर एग्जाम्पल इंट स्टेरिक ए, फ्लोट स्टेरिक बी, कैरेक्टर स्टेरिक सी। कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इसको असाइन कैसे करेंगे? वैल्यू तो असाइन नहीं कर सकते, एड्रेस असाइन करेंगे। सो इनिशियलाइजेशन मीन असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंटर को एड्रेस असाइन करेंगे। डेटा टाइप स्टेरिक पॉइंटर इज इक्वल टू इम्परसेंट वेरिएबल नेम, फॉर एग्जाम्पल स्टेरिक पीटीआर इज इक्वल टू इम्परसेंट। प्रैक्टिकली जरा करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ int num is equal to 100। यहाँ पे ये क्या है, num क्या है? num is a simple variable that hold value which is, यहाँ पे मैं लिखता हूँ int steric ptr, ptr की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये क्या है ptr? ptr is a special type of variable called pointer। अब ptr में हम कोई value नहीं डालेंगे, इसमें हम num की वैल्यू भी नहीं डाल सकते बल्कि num का एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रिंट करना चाहता हूँ द वैल्यू ऑफ num इज num, यहाँ पे आपको num की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, वैल्यू ऑफ num विदाउट यूजिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कैन पी टी आर होल्ड द एड्रेस ऑफ num, अब num का जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। num का एड्रेस क्या है, num का एड्रेस मैं यहाँ पे वैल्यू के बजाय यहाँ पे द एड्रेस ऑफ num और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ num विदाउट यूजिंग पॉइंटर। मैं ज़रा प्रोग्राम रन करता हूँ, अभी मैंने पॉइंटर के जरिए कुछ नहीं किया, वैल्यू ऑफ num 100 है, एड्रेस इसका ये है। अब मैं पॉइंटर के जरिए, अब यही एड्रेस जो आपके सामने आया था वो चाहता हूँ कि इस num में आए, तो डाल दिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ
द एड्रेस ऑफ नम इज पीटीआर। अब पीटीआर में तो ऑलरेडी नम का एड्रेस है, तो वही एड्रेस आपके जरिए प्रिंट होगा। देख सकते हैं, जरा मैं इसको दोबारा से प्रॉपर तरीके पे करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है एंट नम इज इक्वल टू 100 एंट स्टेरिक पीटीआर। पीटीआर में मैंने डाला है एड्रेस ऑफ, मैं चाहता हूं कि मुझे एड्रेस प्रिंट हो, द एड्रेस ऑफ या द एड्रेस इज अ पीटीआर। रन करता हूं प्रोग्राम को, तो देखो मुझे एड्रेस पॉइंटर के जरिए प्रिंट हो गया। अब मैं नम की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं यूजिंग पॉइंट। तो यहां पे वैल्यू कैसे प्रिंट करें, द वैल्यू इज, यहां पे मैं नम भी लिख सकता हूं, लेकिन नम तो आप डायरेक्ट उस वेरिएबल को पॉइंटर के जरिए, तो यहां पे आप लेकिन स्टेरिक पीटीआर रन कर दो, तो देखो आपके लिए एड्रेस भी प्रिंट हो गया वैल्यू पॉइंटर के जरिए। अगर आप इसको पॉइंटर के जरिए प्रिंट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, द एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ नाउ, वैल्यू क्या है नाउ, लेकिन यहाँ पे विदाउट पॉइंटर, यहाँ पे विद पॉइंटर, वही चीज, वही डिस्प्ले, वही एड्रेस, वही वैल्यू, वही एड्रेस, वही वैल्यू, लेकिन ये पॉइंटर के जरिए, ये विदाउट पॉइंटर। सो ये था अबाउट पॉइंटर, पॉइंटर के डिक्लेरेशन और पॉइंटर के इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉइंटर को इनिशियलाइज किया है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।